रश्मि किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेवई बनाना बताने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए मैंने रखा है। कढ़ाई गर्म हो गई, अब मैं इसमें 1 टीस्पून मैंने देसी घी इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें ये बारीक वाली जो सेवई आती है उसको मैंने हाथों से क्रश करके हाफ बाउल में इसमें सेवई इसमें भूनने के लिए मैंने डाल दिया। सेवई अच्छे से भून गई है, इसको ज्यादा नहीं भूनना है, केवल देखिए हल्का कलर चेंज हुआ है। उसके बाद मैं ये उबला हुआ हाफ लीटर मैं फुल क्रीम दूध लिया मैंने, ये इसमें मैं इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि फुल क्रीम दूध अब उसे आप सेवई बनाएंगी तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये मैं इसमें डाल दी। इसको अच्छे से पकने दूंगी मैं। मैंने 4 टीस्पून इसमें मैंने चीनी डाल दिया। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ज्यादा कम या मीठा वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा पसंद है, उसके अनुसार आप उसमें चीनी डालिए। और ये मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, थोड़ा बादाम का टुकड़ा मैंने कर लिया, काजू के टुकड़े कर लिए, और ये किशमिश और इलायची पाउडर, ये सब मैं इसमें अब डाल दे रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। हमारी सेवई रेडी हो गई। ये सेवई रेडी हो गई, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और मेरे रेसिपी को सभी में शेयर कीजिए। थैंक यू।